आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है FCRA 2010। FCRA की फुल फॉर्म देखी जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इस एक्ट को बनाने का मेन मकसद था गवर्नमेंट का कि हाँ फॉरेन सोर्सेज से जो हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कि कैसे जैसे जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास फॉरेन सोर्सेज से इस नाम पढ़ के हम अगर हम नाम पढ़े एफ सी आर ए नाम पढ़े अगर हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का, तो हमको दो नाम से ही हमें दो चीजें समझ आ रही है। तो देखते हैं क्या क्या एफ सी आर ए अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास दो चीजें निकल के आ रही है, एक आ रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक आ रहा है हमारे पास रेगुलेशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी पढ़नी पड़ती है। इन दोनों को वन बाय वन डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे। और रेगुलेशन को हम बात करें तो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, कि कैसे गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो फॉरेन सोर्सेज से जो फॉरेन सोर्सेज के जरिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ रही है उसे कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हमारे ब्राइबरी जिसे बोलते हैं काला धन जिसे बोलते हैं ब्राइबरी को रोका जा सके, किसी को इन्फ्लुएंस ना करा कर पाए, कोई कोई किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर सके। पहले जो फॉरेन सोर्स है फॉरेन कंपनी है हम उसके बारे में देखते हैं, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं कि फॉरेन कंपनी में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स हैं, क्या 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 फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है। पहली डेफिनेशन जो हमारे पास आपके सामने जो दिख रही है वो होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को अगेन मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला मींस में अगर हम बात करते हैं मींस के अंदर हमारे पास ये चीज आती है कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ BOI, इसमें और बीच में डाल सकते हैं और कंपनी और एसोसिएशन ऑफ BOI एंड यहाँ पर एंड इंक्लूड्स जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है वो एंड सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी वो भी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन में है तो वो भी फॉरेन कंपनी की लाई जाएगी। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MNCs बोलते हैं वो भी सब फॉरेन कंपनी के अंदर आ जाएगा। इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी का, लेट्स से अगर एक एक्स कंपनी है उसकी एक Y लिमिटेड कंपनी है, एक X लिमिटेड कंपनी है, एक Y लिमिटेड कंपनी है, ये है USA की कंपनी और इसकी ब्रांच एक इंडिया में हैगी है, इंडिया में है। तो Y लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर, यहाँ के इंडिया के लोगों को एक फ्री में गिफ्ट बांट रही है ताकि वो इसकी तरफ जाए और इसको बेनिफिट मिले, ताकि वो बेनिफिट दे, गिफ्ट बांट रहे हैं फ्री में थोड़ा बांटेंगे, कम से कम कुछ लेना देना तभी वो बांट रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई फॉरेन कोई ये एक सब्सिडरी कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है उस अगर वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के जरिए अगर कोई इंडिया में गिफ्ट बंटवा रही है तो उसे भी हम फॉरेन कंपनी के उस सब्सिडरी कंपनी को भी हम फॉरेन कंपनी का टाइटल दे देंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन जो हमने देखी थी उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो ये मैंने इसी को फिर से मींस में और दो पार्ट्स में डिवाइड करा है फॉर कन्वीनियंस सेक। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको मेरी स्लाइड्स अच्छी लग रही है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट करो अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है। और आगे स्लाइड्स आगे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स मिलेंगे, प्लीज पूरा देखना वीडियो को। ओके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर मेरे पास मींस के अंदर डोनेशन, पहला हमारे पास डोनेशन आ जाता है, फिर सेकंड इज डिलीवरी एंड फिर थर्ड इज ट्रांसफर। डोनेशन डिलीवरी एंड ट्रांसफर, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डोनेशन आ रहा है, डिलीवरी आ रहा है और बाय वे ऑफ ट्रांसफर आ रहा है मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में मैं आपको फॉरेन कंपनी डाल सकते हैं, फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन भी आगे हम देखेंगे। डोनेशन डिलीवरी एंड ट्रांसफर आ जाते हैं ऑफ फॉरेन सोर्सेज से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ सकता है, कह रहे कंट्रीब्यूशन के अंदर हमारा आर्टिकल्स आ सकता है, एनी करेंसी आ सकती है और एनी सिक्योरिटीज
शेयर्स डिबेंचर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन तो सबको पता ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आर्टिकल्स की बात करिए, आर्टिकल एज अ गिफ्ट आ रहा है, कार वॉच कुछ भी आ रहा है, अगर कोई भी आर्टिकल फिर पर्सनल यूज आ रहा है, अगर कोई भी आर्टिकल गिफ्ट गिफ्ट कोई भी आर्टिकल अगर हमारा पर्सनल यूज के लिए आ रहा है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कवर नहीं होता। अगर उसकी वैल्यू और गिफ्ट की जो वैल्यू है, अगर उस गिफ्ट की वैल्यू है 25,000 से ऊपर है, 25,000 से ऊपर है, अगर वो 25,000 से नीचे है, और अगर 25,000 से ऊपर, अगर 25,000 से नीचे है उस आर्टिकल की वैल्यू, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होता। अगर उसकी वैल्यू 25,000 से ऊपर है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में काउंट हो जाएगा, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में काउंट हो जाएगा। और अगर करेंसी की बात करी जाए, या वो इंडियन करेंसी में आ रहा हो या वो फॉरेन करेंसी में आ रहा हो, दोनों सिचुएशन में हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। वेदर इज वेदर दैट अमाउंट ऑफ इज कमिंग अंडर अ इंडियन करेंसी और अ फॉरेन करेंसी। ओके, सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी की डेफिनेशन इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में नहीं डिफाइंड। सिक्योरिटीज के लिए कह रहा है डिफाइंड अंडर जो SCRA एक्ट 1956 के अंदर और FEMA 1999 के अंदर। इन फॉरेन सिक्योरिटीज की बात मैं आपको उसी एक्ट के आगे समझाऊंगा, आने वाली वीडियोस में मैं इन दोनों एक्ट के ऊपर ही सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा। तो प्लीज आगे देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ये आपको आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आगे देखी जाए, नेक्स्ट आते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अगली डेफिनेशन जो आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे मेजर डेफिनेशन डिफरेंस बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कई बार एग्जामिनर यही पूछ रहा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, और ये चार्ट के जरिए मैं ये मानता हूँ कि आपको रिविजन करने में बहुत आसानी होगी, तो इसलिए मैं चार्ट वाइज फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइप से रिविजन भी आप जब कर रहे होगे तो आपको चार्ट में बहुत हेल्प मिलेगी, और मैं यही चाह रहा हूँ कि आने वाली सारी वीडियो सारे चार्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट में वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना यार। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ, ऑफर मेड बाय फॉरेन सोर्स, वो ऑफर मेड बाय फॉरेन सोर्स, ऑफर मेड बाय फॉरेन सोर्स वेदर कैश और काइंड, फॉर कोई भी ऑफर आ रहा है कैश और काइंड में वो, और कोई भी पर्सन बाय ट्रैवलिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अगर मिल रही है फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, कोई बंदा जा रहा है उसके पूरी ट्रिप स्पॉन्सर्स हो रही है, मैं उसका पूरा खर्चा वो भारी कंपनी उठा रही है, भाई क्यों उठा रही है भाई, क्यों क्या हो गया। और कोई जैसे इलेक्शन में कोई बंदा कोई किसी, मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पर सारे पूरी इंडियन पूरी टेरिटरी कवर है, भाई कोई बंदा कोई अपना कोई कंपनी है उसका अपने फ्री में उसको अच्छा काम करा है, उसने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को फ्री स्पॉन्सरशिप दी है ट्रैवल की, तो उसको दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर कुछ पीपल्स कुछ लोग ऐसे कुछ प्रोफेशनल प्रोफेशन ऐसे कवर हैं इस एक्ट के अंदर डिफाइन है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर जो दे रखे हैं उनको अगर हम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उसमें प्रोहिबिशन दे रहे हैं, सबको नहीं कहा गया है। तो आगे तो ठीक है, आगे फ्री फ्री बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं, फ्री बोर्डिंग दे रहे हैं, फ्री लॉजिंग दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अगर यहाँ पर लिखा हो फ्री, यहाँ जो वर्ड है फ्री यूज हो रहा है, फ्री फ्री वर्ड यूज हो रहा है, बट अगर कंसेशनल रेट या लेस रेट पे अगर हम दे रहे हो तो वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में कवर नहीं होता, मीन्स वो FCRA एक्ट में कवर नहीं होगा। कंसेशनल रेट में या फिर कम लेस रेट में हम उसको दे सकते हैं, ऐसे कोई बात है नहीं। और ये भी डिफाइन नहीं है कितना कम होना चाहिए, कितना लेस रेट में हमें उस फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लोडिंग बॉडी ट्रांसपोर्ट देना चाहिए, तो आप चाहो तो 1 रुपए में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात है। ओके, आगे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में अगर आपको इस आगे देखते हैं, आगे हम आते तो हमारे पास फॉरेन सोर्स, आगे हमने बात करी फॉरेन सोर्स से हम जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हैं या फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं उसे कैसे रेगुलेट करते हैं। तो हमने फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली, अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्सेस की बात करी है। फॉरेन कंपनी भी एक फॉरेन एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्सेज में हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ विच, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री एंड एनी एजेंसी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट अगर बात करी जाए, और इंटरनेशनल एजेंसी UNO ये सब हो गया, एंड फॉरेन कंपनी, अगेन हम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी 2 क्लॉज 30, 2 क्लॉज 42 के अंदर जो फॉरेन कंपनी में डिफाइन है, सब्सिडियरी डिफाइन है, जो ऑल डेट जो है हम ऑलरेडी पूरी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ये सब में जो भी डिफाइन है। कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंट्री, और कॉर्पोरेशन इंडियन कंपनी की बात करी जाए वही बात होगी कि अगर
ऑब्वियसली वो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी जिसकी हाफ ऑफ द नॉमिनल कैपिटल ऑफ द शेयर कैपिटल नॉमिनल नॉमिनल कैपिटल नॉमिनल कैपिटल ऑफ द शेयर शेयर हेल्ड आइदर इंडिविजुअली इंडिविजुअली और द होली मींस जॉइंटली कह सकते हो जॉइंटली हेल्ड बाय द बाय हुम बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट ऑफ any agency of the foreign government, government or international agencies, foreign company and corporation into foreign company means कोई भी कर held कर रहा है या तो ये कर रहा है या तो ये कर रहे हैं या तो ये कर रहे हैं या तो ये कर रहे हैं अगर या तो अकेले joint hold held कर रहे हैं या फिर jointly held कर रहे हैं तो Indian company में तो उसे ही हम foreign source ही मान लिया जाएगा foreign trade unions उसे हम foreign source मानेंगे society clubs और other association जो formed है outside India या foreign country या कुछ बात है तो उसे भी हम foreign source मानेंगे citizen of foreign countries company हाँ लिख दिया है हमने citizen country लिखना चाहिए था यहाँ पर हमने तो sorry guys अगर हम बात करें तो हमारे पास country यहाँ country आएगा foreign country और अगली foreign source में बस यही है government international affairs ये सब तो देखो इसको आगे बात करते हैं हम sections की तरफ बढ़ते हैं sections में हमारे पास आ जाता है कि Prohibition section 3 को हमें दो पार्ट में section 3 subsection 1 subsection 2 section 3 subsection 1 की अगर हम बात करें तो section 3 subsection 1 के अंदर हमारे पास आ जाता है prohibition to accept foreign contribution means अभी तक हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ peoples हैं जो कुछ profession है या फिर कुछ लोग हैं जिनको prohibit कर रखा है FCRA Act के अंदर कि वो foreign hospitality या foreign contribution receive नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते तो वो चीजें सेक्शन 3 में दे रखी है तो हम वही पढ़ रहे हैं कि किन-किन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है प्रोहिबिट कर रखा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से तो हम बात करते हैं तो पहला हमारे पास आता है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अब जो एक बंदा इलेक्शन में लड़ रहा है इलेक्शन कैंपेन में खड़ा हो रहा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता जैसे अरविंद केजरीवाल अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली के तो वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अमेरिका यूके या कहीं से भी वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफिस बेयरर पॉलिटिकल पार्टीज तो चलो सही है हमने ये पढ़ लिया फॉरेन कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन एंड ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेयरर का मतलब है कि उसको चलाने वाले लोग उसके पॉलिटिकल मेन लीडर्स जिसे बोलते हैं अरविंद केजरीवाल मेन है उसके नीचे जो सिसोदिया या बाकी वो लोग भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते आगे बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि कोई फंड बना लिया कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली तो वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते आगे बात करें तो हमारे पास आते हैं एसोसिएशन और कंपनी इंगेज कोई भी एसोसिएशन या कंपनी इंगेज है किसमें प्रोडक्शन में या ब्रॉडकास्ट में प्रोडक्शन में या ब्रॉडकास्ट में इंगेज है फॉर ऑडियो न्यूज बाय वे ऑफ प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्टिंग में है बाय वे ऑफ ऑडियो न्यूज ऑडियो विजुअल न्यूज करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड और एनी अदर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन मीन्स वो लोग भी बेसिकली न्यूज चैनल्स हो गए या फिर न्यूज पेपर्स हो गए वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो भी रिसीव नहीं कर सकते मैं आगे बात करें कॉरेस्पॉन्डेंट की बात करें कॉरेस्पॉन्डेंट भी रिसीव नहीं कर सकते कॉलमनिस्ट भी कार्टूनिस्ट एडिटर ओनर ये सब भी रिसीव नहीं कर सकते फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव नहीं कर सकते जो कि फॉरेन ओनर ऑफ विच इलेक्ट्रॉनिक ये यहाँ पर ऑडियो विजुअल न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब हो जाता है इसमें यही आ जाता है आगे बात करी जाए अगला हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन फॉर कॉरेस्पोंडेंट कॉलमनिस्ट कार्टूनिस्ट एडिटर ओनर एंड प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर यहाँ तो हम टीवी चैनल्स कह सकते हैं हम यहाँ पर टीवी चैनल्स की बात हो रही है न्यूज चैनल्स की टीवी न्यूज चैनल्स की बात हो रही है बट यहाँ हमारे जो बात हो रही है यहाँ पर हमारे पास दो लोग प्रिंटर और पब्लिशर न्यूज पेपर में होगा तो यहाँ पर बात कर दी गई यहाँ पर न्यूज पेपर आगे बात करते हैं जज गवर्नमेंट सर्वेंट्स एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशंस भी जो है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपको आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताइए, अगर यहाँ मेरी गलती है तो आप उसको रेक्टिफाई भी करें। मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि उसको ठीक करूँ और थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ अपने आप को। प्लीज हेल्प सपोर्ट मी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बोल रहे हैं नो पर्सन नो सिटीजन, ना ही कोई पर्सन ना कोई सिटीजन, ना ही कोई पर्सन ना ही कोई सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया वेदर रेजिडेंट एंड आउटसाइड इंडिया, जो है एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता एक्वायर एग्री टू एक्वायर और डिलीवरी एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन ऑफ एनी फॉरेन सोर्सेज। कह रहे कोई पर्सन जो सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है ना वो बंदे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या वो नो पर्सन नो सिटीजन, वेदर एक्सेप्ट एक्वायर एग्री एक्वायर एग्री टू एक्वायर डिलीवरी एनी वेदर इंडियन और फॉरेन करेंसी और फॉरेन सोर्सेज, कुछ ले ही नहीं सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगली साइड में बात करें तो अगली साइड में हमने बात सेक्शन 3 में हमने बात करी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन लोग नहीं ले सकते। अब हम सेक्शन 4 की तरफ बढ़ने जब जा रहे हैं तो सेक्शन 4 में हमको बोलता है कि सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई, कुछ कुछ केसेस में सेक्शन जो है 4 सेक्शन सॉरी सेक्शन 4 कहता है सेक्शन 3 इन इन सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होगा। मींस वो बंदे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं अगर हम सैलरी ले रहे हैं वेजेस ले रहे हैं अदर रेम्यूनरेशन ले रहे हैं ड्यू टू हिम आवर एम्प्लॉयर और एनी अदर वर्किंग अंडर हिम, अगर हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं वहां से अगर हमको सैलरी मिल रही है और कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है तो हम उसको हम रिसीव कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कोई इंजीनियर है वो इंडिया में रह के काम कर रहा है फॉर यूएस अमेरिका के लिए तो वो वहां से जो पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो वो उसको वो अपने रिसीव कर सकता है बाय वे ऑफ पेमेंट, पेमेंट ले रहा है बाय वे ऑफ पेमेंट, अगर रिसीव कर रहा है वो यहाँ कोई काम कर रहा है बाय वे ऑफ पेमेंट ले रहा है एज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस ट्रांजेक्शन वाले जो कि उसके ऑर्डिनरी कोर्स है डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो वो उसमें भी रिसीव कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय वे ऑफ आउटसाइड इंडिया तब भी ले सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बात करें तो कंट्रीब्यूशन रिसीव एज अ एजेंट, अगर वो एज अ एजेंट ले रहा है ऑफ फाइनेंशियल सोर्स ट्रांजेक्शन मेड विद द गवर्नमेंट, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है कोई गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और वो एज अ मीडिएटर एज अ एजेंट वर्क कर रहा है जिसका मनी जो है अल्टीमेट जाना गवर्नमेंट के पास ही है तो वो गवर्नमेंट एज अ एजेंट या एजेंट के थ्रू वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है। जैसे अगर कोई डील हो रही है कोई मिसाइल्स की या किसी भी चीज की डील हो रही है कि कोई प्रोडक्ट की डील हो रही है कि हमारे इंडिया से जो हमारा प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा तो एज अ एजेंट जो हम रेम्यूनरेशन रिसीव हम जो पैसा लेंगे पेमेंट लेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो अलाउ है, वो अलाउ है गिफ्ट एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन। अगर हमारे अभी भी कई बार देखा होगा कि हमारी जो इंडियन डेलीगेशन या फॉरेन डेलीगेशन हमारे इंडिया आते रहते हैं, मोदी जी के आने के बाद तो भाई बहुत ही आने लगे हैं, मोदी जी भी कितनी बार गए हैं और बाहर की डेलीगेशन भी बहुत बार इंडिया आते रहती हैं, अब वो आते हैं तो हम भी वोट गिफ्ट देते हैं, वो हम जाते हैं तो भाई हमारी डेलीगेशन वहाँ जाती है तो डेलीगेशन जो जाती हैं उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं एज अ लव एज अ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं वो हमको गिफ्ट मिलते हैं तो वो गिफ्ट जो मिल रहे हैं हमें मेंबर्स ऑफ इंडियन डेलीगेशन को उसको भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो सेक्शन 3 में कवर नहीं करता, वो उसको वो अलाउ है वो गिफ्ट देना। कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एनी रिलेशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीजी, अगर हम कोई अपने ब्लड रिलेशन से अगर कोई हम कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं को हमारा कोई चाचा ताऊ मामा कोई भी मासी कोई भी हमारा बाहर रहता है अगर हम उससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं नॉर्मली बट हमें उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लगे, हम ऐसे ही कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, हमें उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज इसको भी देखो। अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं सेक्शन 6, अगला सेक्शन आता है हमारे पास सेक्शन 6। सेक्शन 6 आ रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन 3 में रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, सेक्शन 4 में उसकी एक्सेप्शंस थी कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, सेक्शन 6 में अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ गया।
सेक्शन 6 में हमारे पास आ जाता है कि वो फॉर हॉस्पिटैलिटी कौन कौन रिसीव नहीं कर सकता। फॉर हॉस्पिटैलिटी मीन्स लॉजिंग बोर्डिंग कौन नहीं कर सकता है ना, बस कंसेशनल रेट में कर सकते हैं है ना। तो बाकी कौन कौन नहीं कर सकता, पहला हमारे पास जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, ये लोग नहीं कर सकते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं कर सकते, यही ये और ऑफिस बेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर ऑफ वो भी नहीं कर सकते। अच्छा ये तीनों बंदे जो है फॉरन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 3 में भी कवर है और सेक्शन 6 में भी कवर है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज तो भाई कॉमन है, याद करना भी आसान है। आगे बात करी जाए नेक्स्ट टाइम में, तो अच्छा यहाँ बात करिए प्रायर परमिशन क्या कह रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, एक चीज पॉइंट आपको बताना भूल गया, तो सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। तो अगर हम इसमें बात करूँ तो इसमें बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन तो है फॉर हॉस्पिटैलिटी को लेने में, बट हमारे पास जो है ना कि हमें वो लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल ऑफ, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल हमें किसका लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन ऑफ सीजी लेनी पड़ेगी हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा इस केस के अंदर। इस केस में हम बात करें तो सेक्शन 6 रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के अंदर हमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ सीजी, सीजी की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, एंड सीजी की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी तो ही हम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। ये तो नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं अगली अगली स्लाइड में जब हम आते हैं, तो कह रहा है प्रायर परमिशन नॉट रिक्वायर्ड इन केस वेयर एमरजेंट मेडिकल एड इज नीडेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन इलनेस। अगर हम इसमें बात करें, कह रहे हैं कि अगर लेट्स से अगर कोई इंडियन डेलीगेशन या इंडियन पॉलिटिकल लीडर कोई बाहर गया और उसके तबीयत वहाँ खराब हो गई, उसके बहुत बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, तो जो एडमिशन एडमिट का खर्चा है वो बाहर के कंट्री जो जहाँ गए हैं वहाँ यूएस जो गवर्नमेंट है वो अफोर्ड कर रही है। यूएस यूएस गए हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, तो जो अफोर्ड कर रहे हैं तो उसको भाई ये थोड़ा ना वो बंदा मरने की स्टेज पे है, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको फटाफट से ये ना वो कहेगा मेरे को नहीं नहीं अभी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मेरे को पहले ना वो इंडियन गवर्नमेंट को ना वो देना है, पहले मेरे को इंडियन गवर्नमेंट से ना अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जा सकता, नहीं तो मेरे को ना मैं सेक्शन 6 में फंस जाऊँगा, ऐसा थोड़ा बोलेगा भाई है ना भाई। तो इसलिए पहले वो गवर्नमेंट के पास इसलिए बोल रहे हैं कि प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस इमरजेंट मेडिकल एड इन सिचुएशन में गवर्नमेंट, बट हाँ इसमें ये जी बोल रहे हैं एक कि अगर सडन इलनेस आया था जब वो क्योर हो जाता है, जब वो इंडिया में आया था, इंडिया में आने के बाद विद इन 30 डेज वो जो भी वहाँ खर्चा कंट्रीब्यूशन जो वहाँ से रिसीव हुआ है उसको फॉरेन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर करा है, उसकी डिटेल्स इंडियन गवर्नमेंट को उसको देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज इंडियन गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास सेक्शन 8 आता है। सेक्शन 8 की अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मींस यहां पर ये कह रहा है कि सेक्शन 8 में कि हम जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या रिसीव या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या रिसीव कंट्रीब्यूशन हम जो रिसीव कर रहे हैं ना, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास जो आ रहा है बाहर से फॉरेन कंट्री से फॉरेन सोर्सेज से, उसको हम 50% और मोर जिसे बोलते हैं 50% या उससे ज्यादा जो हम उसको हम सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। और 50% या उससे लेस ऑब्वियस है उसको हम यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ। अगर इसमें एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर इफ एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम वो करना चाहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए 60% यूज करूं और ऑफिस एक्सपेंस के लिए 40% यूज करूं, तो कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ सीजी। इफ एक्सेस यूज करना है तो विद द अप्रूवल ऑफ सीजी, सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ज्यादा भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो हमारे पास कुछ पेनल्टीज दे रखी है। पेनल्टीज की अगर हम बात करूं,
तो इस एक्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन पेनल्टीज दे रखी है, पेनल्टीज के सेक्शन है सेक्शन 35, 37 एंड 38। सेक्शन 35 के पहले पेनल्टी की अगर मैं बात करूं, इसमें बात करते हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मींस पनिशमेंट। तो अगर कोई इस सेक्शन में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और बहुत सारे सेक्शन जो है, अगर उसमें कोई भी कंट्रावेंशन करता है, कोई भी प्रोविजन, इस एक्ट के कोई भी प्रोविजन में कंट्रावेंशन होती है, तो पनिशमेंट कितनी है, कह रहे 5 इयर्स, 5 इयर्स और विद फाइन, और बोथ बोथ भी लग सकता है, 5 ईयर और विद फाइन बोथ भी लग सकता है। सेक्शन 37 में अगर आते हैं आगे, तो कह रहे नो सेपरेट पनिशमेंट एज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, मींस कह रहा है कोई जैसे कि सेपरेट सेक्शन में अगर कोई भी सेक्शन में सेपरेट पनिशमेंट नहीं दी है, तो ये सेक्शन 3 है, अब किसी भी सेक्शन में अगर उस सेक्शन में कोई सेपरेट पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है, तो उस सेक्शन में ये मत समझो कि उसमें पनिशमेंट नहीं है कि उसको कंट्रावेंशन कर सकते हैं, तो वो सेक्शन 37 और उस सेक्शन के साथ मर्ज हो जाएगा, उसकी पेनल्टीज उसमें लग जाएगी। ओके, तो इसमें हमारे पास जो फाइन है 1 ईयर और विद फाइन 1 ईयर की जेल है, 1 ईयर की जेल है और विद फाइन और बहुत दोनों लग सकते हैं। सेक्शन 38 में बात करें प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर लिया पर प्रोहिबिट था भी कर लिया, तो तब कर लिया, अगर कर लिया तो वही शैल नॉट एक्सेप्ट एनी कंट्रीब्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अगर उसको प्रोहिबिट कर रखा था गवर्नमेंट और तब भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे 5 इयर्स तक बैन कर दिया जाएगा, वो कभी भी 5 साल तक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता बाय वे ऑफ हिम और बाय वे ऑफ एनी 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 एनीवन एनी पर्सन। सेक्शन 9 की अगर बात करूं, सेक्शन 9 की बात करूं, पावर ऑफ सीजी, सीजी के पास कुछ पावर दे रखी है इसके अंदर टू मेक द लॉ मोर स्ट्रिक्ट, भाई और कितनी स्ट्रिक्ट है, 5 साल तक स्ट्रिक्ट हटा दिया उस बंदे को, या सबने बात करा पेनल्टीज के अंदर 5 साल तक की जेल हो जाएगी और फिर फाइन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और कैसे करोगे, बट सेक्शन 9 में दे रखा है, बोल रहा है पावर ऑफ सीजी टू मेक द लॉ मोर स्ट्रिक्ट, और स्ट्रिक्ट करना चाहे तो वो और भी स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन परमिशन, ये कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए ट्राई परमिशन लो, या फॉर हॉस्पिटैलिटी के लिए ट्राई परमिशन लो, या प्रोहिबिट भी कर सकते हैं किसी को, जैसे 5 साल तक ये था भाई है ना, और फॉर वो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फर्निश करो, जैसे उसको कहा कि इमरजेंट एड के लिए 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेगा, ऐसे और बोल सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब तुम रिसीव करोगे तो हमें इंफॉर्मेशन फर्निश करो, क्या रिसीव कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन हमें फर्निश करो, तो इसके बारे में भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और उसको लगा। तो आखिर में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ये चैप्टर यही खत्म होता है, बट आने इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो ये तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे, और प्लीज सपोर्ट करो यार, एंड अगर आपको मेरे चार्ट अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट यार जरूर करना यार, अगर अच्छे लगे तो, और बुरे भी लगे तो बताना यार क्या बुरा लगा मेरे चार्ट्स में, मैंने मेहनत करी है यार चार्ट्स में, तो यार मेरी मेहनत मेरे को पता क्या चलेगा कि मैंने जो करा है वो सही करा है, तो प्लीज यार उसको कमेंट करके यार कुछ बताओ यार कि मैं सही बना रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं यही पैटर्न में मैं अभी वीडियो लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, अगर आगे आने वाली वीडियो में मैं कौन सा एक्ट पहले लेके आऊँ तो प्लीज वो भी बताओ, अगर बताते हो या तो अपनी मर्जी से लेके आऊँगा या तो अगर नहीं बताओगे तो यार, बाकी प्लीज शेयर करो यार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जैसा बच्चों को या और वीडियो पहुंच सके ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, उनका भी दिसंबर ओल्ड कोर्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ECL की अगर बात करूँ सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, तो ओल्ड कोर्स में तो दिसंबर 18, जून 19 और दिसंबर 19 बस ही है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस जून 19 तक जो ओल्ड कोर्स का कोई भी स्टूडेंट सीएस में नहीं रहना चाहिए, ओल्ड कोर्स में जो भी इनरोल है वो दिसंबर 19 नंबर 18 में क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी प्लीज यार बाकी शेयर सब्सक्राइब और आप ही हो करना है लाइक, तो आप ही हो करना है इस वीडियो को, चाहे चाहे लोग बस आप ही बता सकते हो, हमारा काम है बस वीडियो को अपलोड करना, हम ज्यादातर जी
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.